पंजाब की मोहाली में एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने से हादसा हुआ है। आपको बता दें, इमारत के मलबे की चपेट में आने से 3 मजदूर जख्मी हो गए। घायल मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आशंका यह है कि 3 से 4 मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। निर्माणाधीन बिल्डिंग जिसका एक हिस्सा गिर गया था, 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है जो कि बन रही थी, और इसी दौरान यह हादसा हुआ। NDRF की टीम अब लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। जो मजदूर घायल हुए हैं, 3 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है और जब यह हादसा हुआ कुल कितने मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे? देखिए, ये बताया जा रहा है कि करीब 10 के आसपास मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। बिल्डिंग में कुल 2 टावर थे जिनका निर्माण कार्य चल रहा था, और बेसमेंट में खुदाई के कारण जो बिल्डिंग की नींव थी वो काफी कमजोर हो गई थी, और इसी वजह से हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। और वहां पर लगातार जो खुदाई का काम चल रहा था उसमें करीब 10 मजदूर वहां पर थे, और एक सेल्स ऑफिस था इस बिल्डिंग कंपनी का, और वहीं पर उसकी जो मार्केटिंग का काम भी हो रहा था, तो उसमें भी कुछ स्टाफ था। ये जानकारी आ रही है कि वो भी इसकी चपेट में आया, लेकिन कुछ मजदूर जो बचकर आ गए हैं उन्होंने भी जानकारी दी है कि उनके 3 से 4 साथी अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, और इसी जानकारी के आधार पर ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। जब स्थानीय प्रशासन ने देखा कि अभी भी 3 से 4 मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं, मलबा काफी ज्यादा है, 3 मंजिला इमारत ही बन चुकी थी, अभी और भी निर्माण कार्य वहां पर था, तो इसके बाद NDRF को तुरंत सूचना दी गई है और NDRF की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। मोहित, अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इमारत का हिस्सा गिरा। तो फिलहाल क्रेन के जरिए मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है।